देश में पहली बार केरल में जंक फूड पर लगा फैट टैक्स। वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने किया ऐलान। मैकडी पिज्जा हट जैसे फूड चेन से बर्गर पिज्जा खरीदने पर लगेगा 14.5% का टैक्स। आधार से जुड़ेगा रेल टिकट। फर्जी तरीके से रेल यात्रा करने वालों को रोकने की तैयारी। रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स को आधार से जोड़ा जाएगा। पीएमओ को सुझाव पर रेलवे ने बनाया मन। स्टार्टअप्स को राहत देने की तैयारी। स्टार्टअप को 6 श्रम कानूनों से मिली 1 साल की राहत। छूट के लिए देना होगा ऑनलाइन डिक्लेरेशन। मिलेजुले विदेशी संकेतों के चलते सीमित दायरे में कारोबार। इंट्राडे में निफ्टी 8,300 के नीचे फिसला। सेंसेक्स 75 और निफ्टी 15 अंक की गिरावट के साथ बंद। फार्मा ऑटो शेयर्स में खरीदारी। ल्यूपिन को यूएस एफडीए से बड़ा झटका। दवासा यूनिट को यूएस एफडीए ने किया ऑडिट। जून 29 से 6 जुलाई के बीच हुआ ऑडिट। कंपनी की सफाई। यूएस एफडीए की आपत्तियां गंभीर नहीं। पोर्ट टैलबॉट की बिक्री रोकेगी टाटा स्टील। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री साजिद जावेद पहुंचे मुंबई हाउस। ब्रेक्सिट के बाद टाटा स्टील के मैनेजमेंट से पहली बैठक। बोर्ड मीटिंग में यूके प्लांट बिक्री को टालने पर फैसला संभव। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन से निपटने की बड़ी योजना। फ्लाईओवर्स के ऊपर से एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने की योजना। एनबीसीसी पीडब्ल्यूडी ने शुरू की स्टडी। एम्स से शुरू होकर मोतीबाग से आगे तक बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर। मानसून की जबरदस्त रफ्तार कायम। मध्य भारत में भारी बारिश। गुरुवार को मध्य भारत में सामान्य से 33% से ज्यादा बारिश। एक और हफ्ते तक मध्य भारत में जोरदार बारिश की संभावना। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। 11 नए मंत्रियों ने ली शपथ। शिवसेना के कोटे से शामिल किए गए 2 राज्य मंत्री, लेकिन शपथ ग्रहण में नहीं शामिल हुए उद्धव ठाकरे। प्रिटोरिया में शानदार स्वागत के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा से मिले पीएम। प्रिटोरिया में पीएम ने कहा रोजगार निर्माण में दोनों देश निभा सकते हैं अहम भूमिका। रात 11 बजे भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित।